कहानी की शुरुआत में हम जर्मन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्कूल में फ्रेंच टीचर होता है। इसके बाद जब जर्मन घर पर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी वाइफ जेना आती है। फिर जेना भी कुछ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक करती है और जर्मन से पूछती है कि तुमने स्टूडेंट्स को इतने गंदे मार्क्स क्यों दिए। इस पर जर्मन उसे बोलता है कि बच्चों ने कुछ खास तो लिखा नहीं है तो मैं इन्हें अच्छे मार्क्स किस चीज के दूं। तभी जर्मन क्लाउड नाम के एक स्टूडेंट का असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि क्लाउड राफा नाम के एक स्टूडेंट के घर काफी दिनों से जाना चाहता था। फिर एक दिन वो राफा को मैथ पढ़ाने के बहाने उसके घर पर जाता है जहाँ पर उसकी नजर राफा की माँ एस्थर पर पड़ती है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे आता है और वहाँ पर वो राफा की मॉम को देखने लगता है जो कि एक मैगजीन पढ़ रही थी। अब कुछ देर तक एस्थर को देखने के बाद क्लाउड वापस राफा के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मैथ बहुत ही खराब है इसलिए मुझे रोज आकर तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना होगा। अभी सब पढ़ने के बाद जर्मन अपनी वाइफ को कहता है कि इस लड़के की राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है और ये आगे जाकर क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि अगर राफा को पता चल गया कि तुम उसकी मॉम के बारे में क्या सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर इस पर क्लाउड उसे बोलता है कि ये तो मैंने सिर्फ आपके पढ़ने के लिए लिखा था। जिसके बाद वो जर्मन को पिछले असाइनमेंट का अगला पार्ट देता है। इसके बाद जर्मन अपनी वाइफ के पास आकर उसे इस बारे में बताता है और वो दोनों आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि इस बार क्लाउड राफा के घर पर गया तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि क्लाउड की वजह से राफा मैथ्स में काफी अच्छा हो रहा था। फिर राफा की मॉम जब वहाँ से जा रही होती है तो क्लाउड उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। अब ये सब पढ़कर जेना को बहुत ही अजीब लग रहा था कि एक बच्चा इतना गंदा कैसे सोच सकता है। पर जर्मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो क्लाउड की राइटिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस था। फिर अगले दिन जर्मन स्कूल से क्लाउड की फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई है और वो लोग कई बार अपना घर बदल चुके हैं। अब इससे जर्मन को लगता है कि क्लाउड बहुत परेशान रहता है और उसे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए अब जर्मन ये डिसाइड करता है कि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनने में उसकी मदद करेगा और इसके लिए वो उसे कुछ बुक्स भी देता है। फिर क्लाउड भी जर्मन को उसके आगे का असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि जब क्लाउड वापस से राफा के घर पर गया तब राफा और उसके डैड मैच देख रहे थे। तभी राफा की मॉम वहां पर आती है और वो क्लाउड के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राफा के डैड को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो उठकर वहां से चले जाते हैं। अब ये देखकर क्लाउड सोचता है कि अगर ऐसे ही राफा के मॉम डैड के बीच में दूरियां बढ़ती गई तो वो राफा की मॉम को आसानी से पटा लेगा। अभी असाइनमेंट जर्मन जब अपनी वाइफ को पढ़ाता है तो उसकी वाइफ को भी लगने लगता है कि क्लाउड की राइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है। अगले दिन स्कूल में क्लाउड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है जिसे घर आकर जर्मन अपनी वाइफ जीना के साथ पढ़ता है। उसमें क्लाउड ने लिखा था कि मैंने इस बार राफा को एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया और फिर नीचे आकर मैं राफा की मॉम को देखने चला गया। नीचे राफा की मॉम और उसके डैड आपस में बहस कर रहे थे जिसको देखकर क्लाउड को बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद जब राफा की मॉम बाहर आती है तो वो क्लाउड को देख लेती है पर तभी क्लाउड सामने रखी पेंटिंग को देखने का नाटक करने लगता है। पर राफा की मॉम को ये पता चल गया था कि क्लाउड उनकी बातें सुन रहा था इसलिए वो रात को राफा के डैड को कहती है कि उन्हें राफा के लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढना होगा। अभी सब बातें भी क्लाउड छुपकर सुन रहा होता है और उसे अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अगर इस बार राफा के मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो राफा के घर कभी ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाएगा। अब बहुत सोचने पर क्लाउड को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन जर्मन को मैथ्स का पेपर चुराने के लिए बोलता है और इसके साथ वो उसे ये भी कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो राइटिंग करना छोड़ देगा। अभी सुनकर जर्मन परेशान हो जाता है क्योंकि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाना चाहता था इसलिए वो क्लाउड के बोलने पर मैथ्स के पेपर चुरा लेता है और उन पेपर्स को क्लाउड को दे देता है। अब अगले दिन जब टेस्ट होता है तो राफा के उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जिसको देखकर उसके मॉम डैड को बहुत अच्छा लगता है और वो क्लाउड को राफा को ट्यूशन पढ़ाने देते हैं। इसके बाद राफा के डैड क्लाउड को उसके साथ एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए बोलते हैं पर क्लाउड उन्हें मना कर देता है क्योंकि जब वो दोनों मैच खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो घर पर राफा की मॉम अकेली होगी जिस वजह से वो उनसे अकेले में मिल पाएगा। फिर जब राफा अपने डैड के साथ मैच खेलने के लिए बाहर जाता है तो पीछे से क्लाउड राफा के घर पर आ जाता है। वहाँ पर राफा की मॉम अकेली थी और उसके पूछने पर क्लाउड बताता है कि वो यहाँ पर अपनी मैथ्स की बुक लेने आया है। पर जब उसकी मॉम मैथ्स की बुक को ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ पर कोई बुक नहीं मिलती। इसके बाद क्लाउड राफा की मॉम की इयररिंग देखता है और बोलता है कि ऐसी ही इयररिंग मेरी मॉम के पास भी थी पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुनकर राफा की मॉम इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बातें करने लगते हैं। अब ये स्टोरी सुनकर जर्मन की वाइफ उसे कहती है कि अगर राफा के डैड को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर इस पर जर्मन उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रात को फिर जर्मन क्लाउड का एक और असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि इस बार जब उसे राफा के घर पर बहुत लेट हो गया था तो राफा के डैड ने उसे यहीं पर सोने को कहा। फिर जब राफा क्लाउड को उसका रूम दिखाने के लिए जाता है तो वो क्लाउड को कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और इसी के साथ ही वो क्लाउड को किस करने लगता है। अब ये देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि राफा क्लाउड को पसंद करने लगा था। फिर जब आधी रात हो जाती है तो क्लाउड चुपके से
से राफा के मॉम के कमरे में जाता है और वो उनको सोते हुए देखता रहता है। अब ये पढ़ने के बाद जर्मन की वाइफ को काफी अजीब लग रहा था, पर जर्मन उसे बोलता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और क्लाउड की उम्र के बच्चों को ये सब फैंटेसीज होती ही हैं। फिर अगले दिन हम क्लाउड को देखते हैं जो कि राफा के मॉम के करीब आता जा रहा था। इसके बाद रात को राफा की मॉम और उसके डैड के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर राफा के डैड जब झगड़ा करके वहाँ से बाहर चले जाते हैं, तभी वहाँ पर क्लाउड आता है और राफा की मॉम को एक लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उस लेटर को पढ़कर राफा की मॉम क्लाउड को अपने पास बुलाती है और फिर जब वो लोग बातें कर रहे थे तो क्लाउड वहाँ पर जर्मन को इमेजिन करने लगता है। इसके बाद राफा की मॉम को वो लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वो वहीं पर ही क्लाउड को किस करना शुरू कर देती है। अब ये सब राफा खिड़की से छुपकर देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने रूम में आता है और आत्महत्या कर लेता है। और असाइनमेंट के लास्ट में लिखा हुआ था कि कहानी अभी बाकी है। अब जर्मन जब ये सब पढ़ता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और अब वो ये बात अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकता था। फिर अगले दिन जब जर्मन स्कूल आता है तो वो वहाँ पर राफा के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि राफा आज स्कूल नहीं आया है। अब ये जानकर जर्मन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एक टीचर के पास जाकर उसे राफा के घर पर कॉल करने के लिए कहता है। फिर जब वो टीचर राफा के घर पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि राफा बीमार है, इसीलिए वो स्कूल नहीं आ पाया। अब ये सुनकर जर्मन को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो उससे पूछता है कि आज के असाइनमेंट में तुमने झूठ क्यों लिखा था। इस पर क्लाउड उसे कहता है कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। अब जर्मन को भी लगने लगा था कि अगर राफा को ये सब पता चल गया तो वो सच में आत्महत्या कर लेगा, इसीलिए वो क्लाउड को ये सब लिखना बंद करने को कहता है। पर इस पर क्लाउड उसे मना कर देता है और कहता है कि अब मैं लिखना बंद नहीं कर सकता। ये सुनकर जर्मन उसे कहता है कि ठीक है, पर आज के बाद मैं तुम्हारी कोई असाइनमेंट नहीं पढ़ूंगा। अब ये सुनकर क्लाउड अपनी अगली असाइनमेंट को वहीं डस्टबिन में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। पर तभी जर्मन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उस असाइनमेंट को डस्टबिन से निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि आज राफा के डैड बहुत ही उदास घर आए थे क्योंकि वो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी राफा की मॉम वहाँ पर आती है और वो उन्हें कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राफा के डैड बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर राफा आता है और वो उनको कहता है कि अब से क्लाउड हमारे घर पर नहीं आएगा और आप लोग मेरे लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढो। अब ये सब पढ़ने के बाद जर्मन क्लाउड के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें राफा के घर पर जाना बंद कर देना चाहिए। इस पर क्लाउड भी उसकी बात से एग्री करता है और कहता है कि अब से वो कभी नहीं लिखेगा। फिर क्लाउड जर्मन को आगे की कहानी बताता है कि आज उसकी और राफा की लड़ाई हुई थी क्योंकि उसको मेरे और उसकी मॉम के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड अपनी कहानी को पूरा करने के लिए राफा की मॉम के पास आता है और राफा की मॉम उसे उसका लिखा हुआ लेटर वापस कर देती है। फिर क्लाउड उसे कहता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं, पर राफा की मॉम उसे मना कर देती है क्योंकि क्लाउड उम्र में बहुत ही छोटा था। अब ये सुनकर क्लाउड को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। इसके बाद क्लाउड जर्मन के घर पर आता है, जहाँ पर उसकी वाइफ जीना उसे कहती है कि जर्मन अभी घर पर नहीं है। इस पर क्लाउड उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो घर पर नहीं है, इसीलिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं जिसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल चुका था कि मैथ्स के पेपर उसी ने ही चुराए थे। फिर जब जर्मन अपने घर पर आता है तो उसकी वाइफ उसे अगला असाइनमेंट देती है, जिससे जर्मन को पता चलता है कि उसके जाने के बाद क्लाउड यहाँ पर आया था। उस असाइनमेंट में लिखा हुआ था कि क्लाउड जीना को बताता है कि जर्मन ने उसे एक बार कहा था कि मेरी बीबी बांझ है, इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा। अब ये सुनकर जीना को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लाउड के साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। अब ये सब पढ़कर जर्मन को बहुत गुस्सा आता है और वो जीना के साथ लड़ने लगता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम जर्मन और क्लाउड को बात करते हुए देखते हैं। जर्मन क्लाउड को बताता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस लड़की की वजह से मेरी जॉब गई और मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, मैं उससे अभी बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।